5G फोन लेने से पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि आप यहाँ पर 5G फोन लेने वाले हो तो कौन से ब्रांड वाला 5G फोन लेना चाहिए, उस ब्रांड को आप बाद में अपग्रेड कर सकते हो या नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आपको जो 5G है वो दूसरे ब्रांड के साथ में है, आपके फोन के साथ कंफर्टेबल है नहीं है, तो ये कैसे पता करोगे? तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, काफी काम करने वाली वीडियो आप ही के लिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर 5G आने वाला है इंडिया में कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों 5G का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक इंडिया में आ जाएगा, लेकिन हाँ 1-1.5 साल तो आप कम से कम मान ही लीजिए, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम यहाँ पर 5G को कितने भागों में बांटा गया है। 5G को यहाँ पर दो भाग में बांटा गया है। पहला यहाँ पर मिलीमीटर वेव्स वाला, जो कि यहाँ पर US के लिए बेस्ड है, और यहाँ पर जो इंडिया में आएगा वो आएगा यहाँ पर sub-6 GHz वाला 5G, जो इंडिया के लिए बनाया गया है, स्पेशली जो इंडिया में यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर फरवरी 2020 से सबसे पहला 5G फोन आया था, उसके बाद से यहाँ पर हर कोई ब्रांड अपना नया नया 5G निकाल रहा है, लेकिन यहाँ पर उनमें कौन सा ब्रांड है कौन सा नहीं है ये आप यहाँ पर उनके स्पेसिफिकेशंस में जाकर चेक कर सकते हो, जहाँ पर बहुत से ब्रांड्स क्या है यहाँ पर, जिसमें दो ब्रांड्स है, तीन ब्रांड्स है, बहुत समय तो एक ही ब्रांड है 5G का। और यहाँ पर जो तीन ब्रांड है, जो है यहाँ पर सैमसंग, मोटरोला और एक और है यहाँ पर शायद एप्पल है, हाँ तीन है ये ब्रांड है। तो यहाँ पर ये तीन ब्रांड जो ज़्यादा ब्रांड दे रहे हैं, जैसे मोटरोला का एक फ़ोन है उसमें यहाँ पर कम से कम भी 10 से 11 ब्रांड्स दिए गए, सैमसंग का एक फ़ोन है उसमें भी 10 से 11 ब्रांड दिए गए। यहाँ पर जो ये ओप्पो वीवो शाओमी ये सारे निकाल रहे हैं ना, इनमें मात्र 2 या 3 ब्रांड है। आप खुद जाके यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस में चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पर चेक किया है प्रैक्टिकली, तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर मान लो कि यहाँ पर जो 5G जो नेटवर्क आया वो दूसरे ब्रांड के साथ में और आपका फ़ोन दूसरे ब्रांड के साथ में, तो यहाँ पर कंपनी चाहे तो, जी हाँ दोस्तों कंपनी अगर चाहे तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से उस ब्रांड को यहाँ पर अपग्रेड कर सकती है, उस ब्रांड को यहाँ पर अनलॉक कर सकती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सी कंपनीज नहीं करेगी, क्योंकि पैसा भी बनाना है ना, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको सोच समझ के लेना है कि 5G कौन सा लेना है। अगर आपको यहाँ पर 1 साल तक चलाना है फोन, उससे ज़्यादा नहीं चलाना, तो आप 4G ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए 2-3 साल के लिए चलाना है, तो आप 5G की तरफ जाइए, और आपको यहाँ पर जिसमें ज़्यादा बैंड्स मिले उसकी तरफ जाइए, जिसमें मोटरोला है, सैमसंग है, एप्पल है, इनकी तरफ जाइए, जहाँ पर आपको बैंड्स की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, तो आपको यहाँ पर चांसेस ज़्यादा मिल जाएंगे कि 5G आपको फ़ोन में मिल जाए। लेकिन वहाँ पर भी कोई गारंटी नहीं है, चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपको 5G फ़ोन लेना चाहिए या फिर आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। 5G के रिलेटेड आपको पूरी क्वेरी सोल्व हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही कमाल की एक्साइटिंग वीडियोज़ आपको हम देते रहें और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।